वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश दो स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ल्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो लेसन की शुरुआत करते हैं। नए चैप्टर के साथ हम करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक अगली सीरीज के साथ हम पढ़ेंगे हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत। आज हम फिर से देखेंगे हमारे बिफोर से बनने वाले हमारे सेंटेंसेस, जो हमारे सेंटेंसेस हम दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे, एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ सेंटेंस जो हमारा होगा। टाइम बताने के लिए हम आज बिफोर का फिर से सेंटेंसेस प्रयोग करेंगे, जहां पर हम देखेंगे समय बताएंगे कब उस घटना हुई, वो कब उस घटना के बारे में, उस घटना के बारे में जानकारी देंगे कि वो घटना कब घटित हुई, किसके आगे या किसके पहले घटित हुई। हमारे जो सेंटेंसेस बनेंगे हम उन्हें सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस के अर्थ के साथ निर्भर करेगा, दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। दोनों सेंटेंस मिलकर ही आपस में मीनिंग देंगे, वरना उनकी मीनिंग प्रॉपर नहीं निकलेगी। अगर आप हमारे साथ पिछले सारे वीडियोस देख रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, तो आपने देखेंगे कि किस तरह से हमने उन लेसन्स को सीखा है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ हमारे जो सेंटेंस थे उनको हमने किए हैं, जहां पर हमारे सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बनाते हैं। लिंक हमने कुछ आपके साथ शेयर किया है, जो आप हमारे साथ वहां जुड़ करके उन वीडियोस तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके हमारे इन सेंटेंसेस को, जो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हमारे सेंटेंसेस, ग्रामर में आने वाले हमारे परीक्षाओं के उन सेंटेंसेस को, जो हम एडवर्ब क्लॉज की पहचान करेंगे, देखेंगे वो किस तरह से एडवर्ब क्लॉज होते हैं, कैसे वो वर्ब की विशेषता को वहां पर दिखाते हैं, उन क्लॉज को हम छांटने की कोशिश करेंगे। और हमारे सेंटेंसेस जो हमने देखे हैं पहले भी पिछले वीडियोज में, उनको एडवर्ब क्लॉज को जो हम तीन भागों में किस तरह से यहाँ पर अलग अलग दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं। एडवर्ब क्लॉज हम जो करेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज करेंगे, जिनके नाउन क्लॉज पांच तरीके से होंगे, जो हम बाद में पढ़ेंगे अगले कुछ वीडियोस में। एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज की हम सीरीज इस समय पढ़ रहे हैं। एडवर्ब और हमने नाउन नॉन फिनाइट क्लॉज के सारे सेंटेंसेस पिछले वीडियोस में पढ़ लिए, तो हम देख रहे हैं कि क्लॉज को किस तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। नॉन फिनाइट क्लॉज नॉन फिनाइट वर्ब से बनने वाले इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल के हमारे उन सेंटेंस को आप हमारे प्लेलिस्ट से अलग अलग देख सकते हैं, उनके रिवीजन कर सकते हैं। आज जो हमारे सेंटेंसेस हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए एडवर्ब क्लॉज से बनने वाले जो हमारे कंजक्शन है, हमारे वेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज लॉन्ग एज सुन एज, नो सुनर देन की यूजिंग हम यहाँ पर उनके कंजक्शन से सेंटेंसेस बनाएंगे। वेन से बनने वाले सेंटेंसेस कंजक्शन वेन का प्रयोग समय बताने के लिए हम पहले कर चुके हैं। बिफोर से बनने वाले सेंटेंसेस इस समय हम पढ़ रहे हैं। आज के वीडियो में हमारा ये दूसरा वीडियो होगा, इसके बाद हम आफ्टर, अंटिल, एज लॉन्ग एज सून एज, नो सूनर देन और टिल से बनने वाले सेंटेंस, अंटिल और टिल से बनने वाले हमारे उन सेंटेंस को हम एक एक करके समय के साथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम बताने वाले सेंटेंसेस देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं, आप नोटबुक पेन कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए। हमारे सेंटेंसेस दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को हम जोड़ करके बनाएंगे हमारे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय बताने वाले हमारे वो सेंटेंसेस होंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से कंजक्शन बिफोर का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। आपके स्क्रीन पर हमारा पहला एग्जांपल, बिफोर समय किसी घटना को बताने के लिए उसके पहले, किसके पहले वो काम घटित हुआ हम दिखाते हैं। पहला एग्जांपल, आई ऑलवेज ड्रिंक अ ग्लास ऑफ हॉट मिल्क बिफोर आई गो टू बेड। तो मैं सोने से पहले, जब मैं सोने जाता हूँ रात में, उसके पहले मैं जो दूध है, गर्म दूध एक ग्लास पीता हूँ। हमारा सेंटेंस, मैं हमेशा ही सोने से पहले रात में एक ग्लास गर्म दूध पीता हूं। तो देखिए हमारा सेंटेंस बिफोर से हमने दिखाया, कलर कोड में आप वहां देखने की कोशिश करिए। सोने से पहले, सोने के पहले मैं हमेशा ही गर्म एक ग्लास दूध पीता हूं। तो इस तरह के सेंटेंस हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे, अलग अलग टेंस में देखेंगे। इस समय आप जो देख रहे हैं हमारे दोनों ही सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में, अगले जो हमारे सेंटेंसेस होंगे वो अलग टेंस में बदलेंगे, तो उनके सेंटेंसेस किस तरह से होंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल फिर से देखिए हमारे प्रेजेंट में, ब्रिंग मी सम वाटर बिफोर यू गो आउट, इसके पहले कि तुम बाहर जाओ, बाहर जाने से पहले कुछ पानी या पानी, थोड़ा पानी मुझे देकर जाना, मुझे पानी ला दो। तो बाहर जाने से पहले मुझे पानी ला दो, कुछ पानी ला दो या थोड़ा पानी ला दो, हमारा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, डू इट बिफोर यू फॉरगेट, भूलने से पहले इसे कर लो, इसके पहले कि तुम भूल जाओ इसे कर दो, इसे कर लो, ऐसा सेंटेंस है, डू इट बिफोर यू फॉरगेट, तो भूल जाने से पहले इसे कर लो, कहीं तुम भूल ना जाओ। तो इस तरह के बिफोर के सेंटेंसेस हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। हम जब ये सेंटेंसेस, आपने अभी तीन सेंटेंस देखे वो हमारे अलग सिंपल प्रेजेंट के आप कह सकते हैं। अगले सेंटेंसेस जो हम होंगे उनके सेंटेंसेस हम टेंस बदल के किस तरह से कर सकते हैं, आप एक एक करके पहले सारे सेंटेंसेस देख लीजिए, फिर उनके आप सेंटेंसेस को हम समझते चलते हैं, उसके बाद आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होता है तो जरूर शेयर करिएगा आपके व्यूज। इस समय जो हमारे सेंटेंसेस है वो पास्ट में अब आएंगे, पास्ट के होंगे,
देखिए हमारे दो सेंटेंसेस सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को किस तरह से जोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर नीचे हिंट पढ़ रहे हैं, हमारा सेंटेंस है बिफोर थीफ कुड एंटर आवर होम द वॉचमैन हैड फोन्ड द पुलिस। इसके पहले कि चोर हमारे घर में घुस पाता चौकीदार ने पुलिस को फोन कर दिया। तो पुलिस को फोन कर दिया गया है वॉचमैन के द्वारा पहले, चोर घुस नहीं पाया है घुसने से पहले ही चौकीदार ने फोन कर दिया है। बिफोर थीफ कुड एंटर आवर होम हमारा पास्ट मॉडल का सेंटेंस सिंपल पास्ट में, और हमारा सेंटेंस है आप दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं वॉचमैन हैड फोन द पुलिस पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए वहां पर आप देखिए, और बिफोर को हमें किस टेंस के साथ रखना चाहिए, पहले बिफोर के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का सेंटेंस हमें रखना चाहिए, और बिफोर के पहले हमें पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस रखने से हमारे सेंटेंस हमेशा ही सही अर्थ देंगे, उनकी मीनिंग गलत नहीं होगी, आपको ग्रामर में पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं किस तरह से हम बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट का सेंटेंस कैसे बाद में बिफोर के बाद में रखेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस आपने देखा, चोर जो अभी घुसा नहीं है चौकीदार ने पुलिस को फोन कर दिया है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पास्ट परफेक्ट में पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में, दोनों तरीके से हम इसे देखेंगे, बिफोर को बीच में रखकर बिफोर को शुरू में रखकर सेंटेंस जोड़ेंगे। आई हैड कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क आई वेंट टू स्लीप, तो मैं सोने गया, मैंने सारा होमवर्क कर लिया था। तो कब सोने गया, बिफोर आई वेंट टू स्लीप सोने से पहले, आई हैड कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। उसी सेंटेंस को हम बिफोर को अगर बीच में जोड़कर देखते हैं, आई हैड कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू स्लीप मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था सोने के पहले। तो देखिए हमारा बिफोर का सेंटेंस हम देख रहे हैं, बिफोर का सेंटेंस हमारा यहाँ पर बीच में है, तो बिफोर के पहले हमारा कौन सा सेंटेंस हमने बताया आपको, बिफोर के पहले हमें सिंपल जो बिफोर के बाद हमें सिंपल पास्ट का सेंटेंस रखना है, और बिफोर के पहले हमें पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस रखना है। तो पहले सेंटेंस जो देख रहे हैं, पहला जब हमने बिफोर का प्रयोग किया है तो बिफोर के बाद हमारा सिंपल पास्ट है, और आप जब बिफोर को बीच में देख रहे हैं, बिफोर को हमने बीच में यूज किया है, तो बिफोर के पहले हमारा पास्ट परफेक्ट है, लेकिन बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट में रखना है। अगला एग्जांपल और देखते हैं जिससे आप बेहतर ढंग से उसे समझ पाएंगे। आपके स्क्रीन पर हमारा अगला एग्जांपल, फादर हैड बीकिड हिज सन बिफोर ही डाइड। बिफोर का प्रयोग हम करते हैं कंजक्शन के रूप में, बिफोर को हमने बीच में करके इस बार दिखाया है। मरने से पहले पिताजी ने बेटे के नाम वसीयत कर दिया था, कर चुके थे, पिताजी बाद में मरे हैं, वसीयत वो कर चुके थे पहले ही। तो देखिए हमारा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बिफोर के पहले, बिफोर के बाद हमारा सिंपल पास्ट है। मरने से पहले पिताजी ने बेटे के नाम वसीयत कर दिया था, फादर हैड बीकिड हिज सन बिफोर ही डाइड। तो इस तरह से हमें ध्यान रखकर बिफोर का प्रयोग करना होता है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट और बिफोर के पहले हमारा पास्ट परफेक्ट हम रख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगले पेज पर देखेंगे हम बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगले पेज पर हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम से बनने वाले हमारे इन सेंटेंसेस को, जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज बन रहे हैं, साथ में ही हम क्लॉज के सेंटेंसेस भी सीखते चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल इस अगले पेज पर, जहां पर हम सेंटेंसेस को जोड़कर अलग अलग सेंटेंसेस के प्रयोग के साथ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंटेंसेस बना रहे हैं। कंजक्शन का यूज जो हम कर रहे हैं बिफोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए। अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर देखिए, बिफोर के पहले हमें कौन सा सेंटेंस रखना है हमने देखा है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है इस समय सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट में जब हमारे सेंटेंस होंगे तो हमें ध्यान रखना है प्रॉपरली स्विच ऑफ द रेगुलेटर ऑफ गैस बिफोर यू लीव द होम। तो घर से निकलने से पहले, घर से जाने से पहले ध्यान से सावधानी से गैस के जो रेगुलेटर है, गैस चूल्हे का रेगुलेटर बंद कर देना। तो स्विच ऑफ कर देना गैस का रेगुलेटर, गैस चूल्हे का रेगुलेटर अच्छे से बंद कर देना है, गैस बंद कर देना है घर से निकलने से पहले। घर से निकलने से पहले हमें कौन सा काम करना है, रेगुलेटर सब ठीक से बंद करना है। ये सब हम ही अपने घर में ठीक से करते हैं, हम लोग ये ध्यान देखते हैं। सोने से पहले, घर से कहीं बाहर जाने से पहले हम सारे स्विच रेगुलेटर और गैस को बहुत ध्यान से देख करके जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल, अगला सेंटेंस हमारा आपके स्क्रीन पर। तीन सेंटेंस को चलिए हम यहाँ पर जोड़ेंगे, तीन सेंटेंस हमारे किस तरह से अलग अलग होंगे पास्ट में परफेक्ट में उन्हें देखते हैं। इस बार हमारा एक सेंटेंस आपको पैसिव में दिखेगा सिंपल पास्ट में, इट वॉज गुड सर हैड टॉट अस दिस लेसन ही वॉज ट्रांसफर्ड। तो सर का ट्रांसफर हुआ है, ये अच्छी बात है, सर ने पहले हमें वो लेसन पढ़ा दिया था। तो सर का ट्रांसफर होने के पहले लेसन उन्होंने पढ़ा दिया था, हम सेंटेंस को बनाएंगे। इट वॉज गुड दैट सर हैड टॉट अस दिस लेसन बिफोर ही वॉज ट्रांसफर्ड। ये अच्छा हुआ कि सर ने हमें पाठ पढ़ा दिया था, यह पाठ पढ़ा दिया था उनके ट्रांसफर के पहले, उनके ट्रांसफर के पहले हमें ये पाठ पढ़ा दिया गया था, ये अच्छा हुआ है। इट वॉज गुड दैट सर हैड टॉट अस दिस लेसन बिफोर ही वॉज ट्रांसफर्ड। तो देखिए हमने सेंटेंस को जोड़ा बिफोर से, हमारा पास्ट परफेक्ट पहले है,
सिंपल पास्ट बाद में है बिफोर के, मीनिंग भी बराबर निकलती है, उसका अर्थ भी सही है और हमें प्रॉपर नंबर वहां पर एग्जाम में मिलेंगे। हिंदी अर्थ के साथ आपको उनके सेंटेंसेस को बनाना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। पहले से हमारा ये बना हुआ, हमने बिफोर को इस बार फिर से शुरू में रख के दिखाया है। मॉडल का सेंटेंस है हमारा सिंपल पास्ट में कुड के साथ, हम दिखा रहे हैं आपको। बिफोर एनीबडी कुड इन्फॉर्म पुलिस दोज गोन्स हैड रन अवे, इसके पहले कि कोई पुलिस को सूचना दे पाता वे गुंडे भाग चुके थे, भाग गए थे। तो पुलिस को सूचना देने से पहले ही गुंडे चले गए थे, तो गुंडे जो हैं वो निकल गए थे, पुलिस एनी जो अभी तक नहीं आई है। बिफोर एनीबडी कुड इन्फॉर्म पुलिस दोज गोन्स हैड रन अवे, गुंडे भाग गए थे पुलिस को बताने से पहले ही। तो यहाँ पर कोई बता पाता, पुलिस को इन्फॉर्म कर पाता, पुलिस के आने से पहले गुंडे चले गए। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, दो सेंटेंस को फिर से जोड़ते हैं। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हमारा पहला है, आई कुड कुक फूड फॉर यू ऑल्सो यू हैड मेड मी, यू मेड मी कॉल, आई हैड कुक्ड फॉर यू ऑल्सो, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया था, यू मेड मी कॉल, तुमने मुझे फोन किया, तो खाना पहले ही बन गया था। I had cooked for you also, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया था before you made me call, तुम्हारे फोन करने से पहले, तुमने जब मुझे फोन किया उसके पहले ही मैंने खाना बना लिया था, खाना बन चुका था। तो खाना रूम पार्टनर ने या किसी ने उसके लिए भी बना लिया था फोन करने से पहले ही। I had cooked food for you also before you made me call। तो चलिए देखिए हमारा सेंटेंस उसी तरह से परफेक्ट का सेंटेंस बिफोर से पहले है, सिंपल पास्ट बिफोर के बाद में है। और एक एग्जांपल देखते हैं और सेंटेंस के साथ समझते हैं। द फिल्म हैड स्टार्टेड, आई रीच द टॉकीज, आई केम बैक रूम, तीन सेंटेंस को हम यहाँ पर जोड़ के देखेंगे। इस बार हमारा एक और कंजक्शन हम यहाँ जोड़ते हैं, सो और बिफोर का प्रयोग करेंगे। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द टॉकीज, सो आई केम बैक रूम, मैं घर रूम पर वापस आ गया, फिल्म पहले ही चालू हो गई थी, फिल्म पहले ही स्टार्ट हो गई थी मेरे पहुंचने से पहले, टॉकीज पहुंचने से पहले फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, इसलिए मैं घर आ गया। द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर I reached the talkie, so I came back। तो देखिए दो कंजक्शन को हमने यहाँ यूज कर लिया। The film had started, फिल्म शुरू हो गई थी। Before I reached the talkies, मेरे talkies पहुँचने से पहले, so I came back, इसलिए मैं वापस आ गया क्योंकि फिल्म शुरू हो गई थी पहले ही। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, यू क्लोज दिस वीडियो, तो आप इसके पहले की वीडियो को पूरा करें, बंद करें। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, हमारा सेंटेंस है, बिफोर से हम जोड़ के बनाएंगे। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो बिफोर यू क्लोज, तो इसके पहले कि आप वीडियो बंद करें, वीडियो पूरा होने से पहले आप लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पूरा होने से पहले हम इस सेंटेंस को बना रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर करिए हमारे सेंटेंसेस को। और इस तरह के एग्जाम्पल के साथ में, हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम्पल के साथ कलर कोड के माध्यम से आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे एडवर्ब क्लॉज, क्लॉज के अंतर को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को, कंजक्शन किस तरह से यूज किए जाते हैं और क्लॉज को कैसे अलग अलग समझ सकते हैं, आप इस तरह से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। और हमारा इस तरह के एग्जाम्पल जो आपके परीक्षाओं के लिए बोलचाल में भी बहुत उपयोगी होते हैं, इस तरह के वीडियोज के साथ हम और एडवर्ब क्लॉज के साथ अगले जो हमारे सेंटेंसेस है आफ्टर के, अंटिल के, एज सून एज के, नो सुनर देन के जो हम सेंटेंसेस है अगले वीडियोस के साथ एक एक करके लाते रहेंगे। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश ग्रुप, स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड, सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियोस, शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।